आज मैं लाहौर वाले अपने घर में अकेला हूँ बिल्कुल। लेकिन यार जो घर के नाश्ते की बात है वो अलग ही है। बारिश इतनी कमाल की हो रही है, देखो जरा आपका भाई गीला हो गया। यार जिम जाने से पहले एक मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है। मैं ना शूज वगैरह पहनता हूँ ना एंकल सॉक्स पहनने की वजह से, ये देखो जरा कितना ज्यादा। यार जिस बंदे के साथ चैलेंज करना था वो बंदा ही मसरूफ है, उसने मुझे आज आके बताया कि मैं भाई मसरूफ हूँ। अरे आप चोरी कर रहे हो? नहीं हम चोरी नहीं कर रहे, अपनी लैंग्वेज आप इतनी वल्गर लैंग्वेज ना यूज करें। हमारे साथ होंगे और ये भी ब्लॉग बनाएगा। ऊंचा बोलो भाई जान, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रिज़वान इशरत हियर एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 5:30 और यकीन मानो इतनी की मुझे नींद आ रही है ना, इतनी की नींद आ रही है ना मुझे। मैं यार आप लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग जो है वो एडिट वगैरह कर रहा था, इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं सका। अभी अभी शेड्यूल करके फारिग हुआ तो सुबह के बज रहे हैं 5। अभी मैंने सोचा कि सोने से पहले क्यों ना बाहर जाके ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। घर पर बिल्कुल भी फैमिली मौजूद नहीं है। फरहान भाई जो है वो अपनी फैमिली के साथ गए हुए हैं नॉर्दर्न वाली साइड पर ट्रिप पर गए हुए हैं, और मामा पापा तो आपको पता है और अब्दुल्ला वो तो है सो दिया। तो आज मैं लाहौर वाले अपने घर में अकेला हूँ बिल्कुल। सोने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार बाहर से ही नाश्ता कर लिया जाए, ब्रेकफास्ट घर पे बनाने से अच्छा है बंदा बाहर चला जाए। तो अभी बाहर चलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ ही चलिएगा। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि भैया आपका भाई जो है ट्रिप पर किसी नहीं जा सका है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे कुछ काम वगैरह था लाहौर में, इस वजह से मैं नहीं गया। सो मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, आप लोग करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। नींद पूरी फ्रेंड्स हुई नहीं है नाश्ते की, आपके भाई को पहले ही फिक्र पड़ गई और नाश्ता करने जा रहा है। आ चुका हूँ फ्रेंड्स अभी जो है नाश्ता करने के लिए, ठीक है। आलू वाले पराठे का ऑर्डर किया तो इंतज़ार नान चने खा के थक गया, इसलिए आज मैंने बॉयकॉट किया है नान चने हलवा पूरी पाए से। आ चुका है आलू वाला पराठा, अब इंजॉय करते हैं। मुझे फ्रेंड्स इतनी भूख लग रही थी ना, इतनी भूख लग रही थी ना, एक पराठा ख़त्म भी कर लिया और दूसरा पराठा ऑर्डर कर दिया कि भाई ले आओ ले आओ, बहुत भूख लग रही है। ये उसका सबूत है, देखो ये ख़त्म कर दिया पराठा। फाइनली नाश्ता वगैरह कर लिया, ठीक है भाई गए। अब बारी आ जाती है नाश्ते के बाद लस्सी की, तो अब लस्सी पी रहे हैं। तो भाई ठंडी ठंडी हम लोगों की लस्सी आ गई है। सो फाइनली फ्रेंड्स अभी जो है नाश्ता वगैरह कर लिया, ठीक है। बड़ा ही पोपट किस्म का नाश्ता किया है, लेकिन यार जो घर के नाश्ते की बात है वो अलग ही है। घर वाले मौजूद नहीं है तो ऐसे ही करना है भाई जान गुजारा। नाश्ता कर लिया, अब चलते हैं घर और थोड़े से ब्लॉग को लगाते हैं होल्ड पे। आपसे मिलता हूँ मैं सो कर उठने के बाद। सो बाय बाय। ओए होए 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 यार बादल चेक करो जरा, तुम लोग एक भी नज़र नहीं आ रहा। होए होए। सो फ्रेंड्स अभी जो है दोपहर का वक्त हो गया, मैंने जो ब्लॉग बनाया था मैं वो भूल गया हूँ। बारिश इतनी कमाल की हो रही है, देखो जरा आपका भाई गीला हो गया। चार भाइयों के आगे छत के आगे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा पोपट किस्म का मौसम हो रहा है, लेकिन मैं नहा नहीं रहा, लेकिन फिर भी गीला हो गया। छत पर फ्रेंड्स ऐसी चार पहियाँ वगैरह पड़ी थी, वो साइड पर करने आया था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ आई आंधी के साथ, पता नहीं चला कि कब मेरे को बारिश एकदम से तेज़ हो गया इतनी स्पीड में। अब मैंने नीचे जाना, इधर ही खड़ा हूँ बारिश में गीला होते होते, अब नीचे नहीं जा रहा और इधर ही खड़ा होकर इंजॉय कर रहा हूँ। स्पीड हो गई बारिश की। बारिश का फ्रेंड्स पाँव पे अगर पड़े ना तो आपके पाँव जो है ना वो खूबसूरत हो जाते हैं, और मेरे भी अभी ऐसे ही सीन है। बारिश जो है फ्रेंड्स अभी जो है ख़त्म हो चुकी है, और मैं छत पर गया था कुछ चीज़ें वगैरह साइड पर करनी थी, चारपाइयाँ वगैरह साइड पर करनी थी, वो कर दी हैं। सो अब ज़रा हालत वगैरह ख़राब हो रही है, अब ज़रा फ्रेश होते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो है रात का वक्त हो रहा है और अभी रेडी वगैरह हो गए हैं। आज सैटरडे का दिन है, सो भाई जल्दी से रेडी हो गया हूँ मैं, और अब मैं जा रहा हूँ जिम, ठीक है। आप लोग मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन यार जिम जाने से पहले एक मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, बल्कि अभी नहीं हुई, वो पहले की ही हुई है, लेकिन मैंने गौर अब आके किया है। यार इतनी जलन हो रही है ना पाँव पे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ये क्यों हो रही है जलन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यार सीन ऐसा है कि मैं ना शूज़ वगैरह पहनता हूँ ना एंकल सॉक्स पहनने की वजह से, ये देखो ज़रा कितना ज़्यादा यार ये ज़ख्म बन गया। ओए होए होए होए, इसकी वजह से ना मैं शूज़ पहन सकता हूँ ना मुझे कुछ और समझ आ रहा है। मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, इतनी दर्द हो रही है ना।
मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे से यकीन मानो आप जूती भी नहीं पहनी जा रही, जूती भी बड़ी मुश्किल से पहन रहा हूँ, शूज़ अगर पहन लेता हूँ सॉक्स के बगैर या सॉक्स के साथ और ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स अपने आप को एडजस्ट की है, चाबी वगैरह पकड़ ली है, लॉक लगाते हैं, सारे दरवाजे वगैरह बंद करते हैं, निकलते हैं जिम। यार आज के जो ब्लॉग का सीन जो था ना वो कुछ और था, जिस बंदे के साथ चैलेंज करना था वो बंदा ही मसरूफ़ है, उसने मुझे आज आके बताया कि मैं भाई मसरूफ़ हूँ, मैं आज चैलेंज नहीं कर सकता। इतना मुझे गुस्सा चढ़ा ना कि मैंने ब्लॉग भी सुबह से शुरू किया भाई उसी की वजह से कि यार कंप्लीट हो जाएगा, और उसने यार ऐसे लिफ्ट नहीं कराई। सो बस चलो जो भी है, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाद में टाइम मिला वो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जिम निकलते हैं, बाद में देखेंगे हम लोगों ने क्या करना है। चाबी पकड़ लिए, ताला लगाते हैं, सारे दरवाजे वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है घर पर मैं ही हूँ और कोई नहीं है इस टाइम। बड़ी मुश्किल से फ्रंट जूती पहन के गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन मिर्चें अभी भी इधर भी लग रही हैं और इधर भी लग रही हैं। चलो जी ये देख लो, लिमिटेड टिकट्स रह गई हैं, जिसने खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई जान, हम टिकट्स दिखा रहे हैं। आप टिकट चोरी कर रहे हो? नहीं हम चोरी नहीं कर रहे, अपनी लैंग्वेज, आप इतनी वल्गर लैंग्वेज ना यूज करें। ओके ब्रो, ओके यार मुझे प्राइस दिखाने दे, शायद कोई आ ही जाए इंप्रेस हो गए। हाँ जी बोल, आप कितने फॉलोअर्स हैं? भाई जान मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं। बोलो 10,000 फॉलोअर्स? हाँ जी 10,000 में से तुमने कोई एक बंदा नहीं देखता, वो तुम टिकट दिखा रहे हो। भाई जान मेरी ऑडियंस बड़ी अच्छी है, वो सारे देखते हैं। साड़ी? हाँ जी करा लो फिर, आप करा लो अपनी वाली से, आपके जो 10,000 से ऊपर है। भाई जान ये देख लो, 5,000 की VIP टिकट है, और इसके अलावा ये नॉर्मल टिकट है जो ठीक है, ये आप खरीद सकते हैं। भाई जान जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिम पहुंच चुके थे, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, ठीक है, तो ब्लॉग वगैरह बनाना मुश्किल हुआ है, तो अभी चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट काम करने आया था वो कर लिया। ओके भाई जान, जिम का सारा वेट वगैरह खत्म हो गया, रजा भाई जो है नीचे अपने फैन से मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा आज का सारा ब्लॉग खराब हुआ पड़ा है, जो मैंने बनाना था, जिस दोस्त के साथ चैलेंज करना था, वो सारा चैलेंज मेरा खराब हो गया। और एक अदद ये नवाब साहब जो कि कल HBSC में हमारे साथ होंगे, और ये भी ब्लॉग बनाएगा, मैं कर दूंगा, 2 सब्सक्राइबर तो मेरे आ जाएंगे ना, बाकी खैर है, बाकी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं रश कितना हुआ। और भाई फेमस बंदे फेमस हो गए भाई जान, हर जगह आप छाए हुए यार, शर्मा बहुत ज़्यादा रहा। ओके भाई जान, सीन ऐसा है कि हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो भाई जान ने स्पेशल भाई जान बनाना मिल्क शेक मंगा के दिया, किसने मंगवा के दिया आपको भी दिखाता हूँ जान, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं यार, आप ऊंचा बोलो भाई जान, आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही यार, आप हमारे भाई हो। और कम करना है भाई जान, इतना कर दिया आपने, ये बड़ी मेहरबानी है आपकी, थैंक यू, कोई मसला नहीं, आप जो अपना काम करें वो करें। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो है मैं घर पर वापस आ चुका हूँ, और ये रात को तोते जो है बोलना शुरू हो गए, देखा मैंने जैसे क्लिप रिकॉर्ड करना शुरू किया साथ ही तोते बोलना शुरू कर रहे हैं। सो यार ये था मेरा आज का ब्लॉग, और जैसा कि आप लोगों को पता है ऊपर ही खड़े हो जाते हैं, सही लाइट पड़ेगी क्योंकि लाइट ज़रा कम लग रही है मुझे ना यहाँ पर, तो इस वजह से। सो यार सीन ऐसा है कि जिम से आ चुके हैं, और आज मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि आज कुछ ज़्यादा फन वगैरह इस ब्लॉग में नहीं आया, लेकिन जैसा भी बन गया आप लोग देख रहे ना, क्योंकि यार सीन ऐसा हुआ था, ऐसा करते हैं नेट ऑन कर देते हैं क्योंकि अभी ब्लॉग अपलोड करना है हमने। सो ये था, क्योंकि जो आज का हम लोग का फ्रेंड्स चैलेंज था वो दोस्त के साथ करना था, उसने आज मुझे सेइंग यस करना था फाइनली, लेकिन आज वो हाल रोड था, मसरूफ़ था, तो इस वजह से आज वो चैलेंज नहीं हो पाया, इसलिए सॉरी यार आप लोगों को आज इंटरटेन नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश की थी जो भी रूटीन थी वो आपके साथ शेयर कर दी थी, और कैसे मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ फैमिली के बगैर वो आप लोग देख रहे हैं। सो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और कल है रजब भाई की कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उसके लिए स्टे कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि वो वाला ब्लॉग पहले आ जाएगा, ये वाला ब्लॉग बाद में आप लोग देखेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।